तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस 19th ऑफ जून के लिए। सो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो अपन चलते हैं अपने फर्स्ट कोट से देखते हैं। यस्टरडे इज नॉट आवर्स टू रिकवर बट टुमोरो इज आवर्स टू विन और टू लूज, लिंडन बी जॉनसन। ये 36 प्रेसिडेंट थे यूएसए के। ठीक है, तो इस कोट का मतलब क्या है? अपन ये देखते हैं कि अपन अगर कल का नेगेटिव डे था तो आज का डे भी नेगेटिव रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर कल का डे नेगेटिव था तो उसको आज अपन रिकवर कर सकते हैं पॉजिटिव होके। तो आप कल क्या लूज किया उसके ऊपर ना देखें, आज आप देखें कि आप आने वाले टाइम में क्या जीत सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल पे। अपना फर्स्ट आर्टिकल कहता है, इन मन की बात पीएम स्पीक्स ऑन इमरजेंसी एफर्ट्स टू इरेडिकेट टीबी। मोदी हॉल्स द अचीवमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन द मंथली रेडियो ब्रॉडकास्ट। द कांग्रेस टेक्स अ डिग एट द पीएम ओवर साइलेंस इन मणिपुर वायलेंस। अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मन की बात की कोई भी स्टेटमेंट अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। तो अपन आज टीवी के बारे में देखेंगे। टीवी वैसे भी लास्ट 2 और 3 मंथ्स में एवरी 3 to 4 डेज रिपीट होता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी चीज रिपीट हो रही है तो ऑनरेबल टाइम में इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो अपन देखते हैं टीवी किससे कॉज होता है। टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बिलोंगिंग टू द माइक्रोबैक्टीरिया फैमिली कंसिस्टिंग अबाउट 200 मेंबर्स। क्या याद रखना है, कौन से बैक्टीरियम के थ्रू होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, राइट। सम ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम कॉजेस डिजीज लाइक टीबी एंड द लेप्रोसी इन ह्यूमंस एंड दस इन्फेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स। इन ह्यूमंस टीबी मोस्टली कॉमनली अफेक्ट्स द लंग्स बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर ऑर्गन्स। तो टीबी क्या क्या अफेक्ट कर सकता है? आपके लंग्स को अफेक्ट करता है लेकिन दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको ये बोल दिया जाएगा कि टीबी सिर्फ लंग्स को इफेक्ट करता है, तो आपको पता होगा कि नहीं वो दूसरी चीजों को भी इफेक्ट कर सकता है, राइट। तो चलते हैं अपन, ये डिजीज प्रिवेंटेबल है या नहीं है वो चीज जानते हैं। टीबी इज अ वेरी वेरी एंशियंट डिजीज एंड हैज बीन डॉक्यूमेंटेड टू हैव एग्जिस्टेड इन इजिप्ट एज अर्ली एज 3000 BC। तो आप सोचिए कितना पुराना डिजीज है। इज अ ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज, तो ये देखिए क्यूरेबल डिजीज है। इट इज स्प्रेड फ्रॉम 1% थ्रू द एयर। कहाँ से स्प्रेड होता है? थ्रू द एयर। मैं आपको रोज कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे कि आज भी डेंगू के रिलेटेड थोड़ा सा आर्टिकल था लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर उसको वापस कवर किया जाएगा तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। देन पीपल विद लंग टीबी कफ एंड स्नीज और स्पीड दे प्रोपेल द टीबी जम्प्स इनटू द एयर। तो आपको ये ध्यान रखना है। सिम्टम्स क्या क्या है? कॉमन सिम्टम्स लाइक आर एफ कफ इज स्पीटम इन द ब्लड एट टर्म्स, चेस्ट पेन, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट। तो अगर आपको इनमें से कोई कंडीशन है तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं कि टीबी के चांसेस बनते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर अपने को सजेस्ट करेगा, अपन ये नहीं देखेंगे। ये कॉमन सिम्टम्स मोस्टली पाए जाते हैं। तो अगर अपन थोड़ा सा और ग्लोबल इम्पैक्ट जाने टीबी का, इन 2019 87% ऑफ द न्यू टीबी केसेस ऑकर्ड इन द 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज। तो देखिए कितना, मतलब मोस्टली कम कंट्रीज में ही सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। वो कौन सी हैं? 8 कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा आते हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। तो आपको बोल दिया जाएगा कि इन मोर देन 80 कंट्रीज ट्यूबरक्लोसिस इज फाउंड आउट। तो आप ये देखिए 87% सिर्फ इसमें पाया जा रहा है ना, तो कम चांसेस है कि दूसरे इतने सारे कंट्रीज में एक साथ पाया जाएगा। इन 2019 MDR-TB remained a public health crisis and a very health security threat. हाँ भाई, इतने अगर 8 कंट्रीज में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को सिक्योरिटी थ्रेट तो है फिर लोगों की हेल्थ को। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस इज अ स्ट्रेन ऑफ टीबी दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद द टू मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंटी टीबी ड्रग्स। तो अपन देखते हैं कि जब भी कोई रेजिस्टेंट हो जाता है ड्रग्स तो उसको फुलफिल करना बहुत हार्ड हो जाता है। एक्सेप्शनली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस इज अ फॉर्म ऑफ टीबी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट आर रेजिस्टेंस टू सर्वल मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव एंटी टीबी ड्रग्स। अपन देखते हैं कई बार वो दवाई काम कर रही होती है लेकिन कुछ टाइम बाद वो दवाई काम करना बंद कर देती है क्योंकि वो जो थ्रेट है, मतलब लाइक जो डिजीज है, वो उसकी रेजिस्टेंट हो चुकी है। तो अब ये देखें अपन कि इसके रिलेटेड कोई वैक्सीन है क्या, इसके रिलेटेड कोई ग्लोबल एफर्ट्स है, इसके रिलेटेड कोई इंडिया का एफर्ट है। अपने को ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, अपने को अपने प्रीलिम्स में ध्यान लेके चलना है। प्रीलिम्स और मेंस में अपने से क्या पूछा जाएगा, आप ग्लोबल इम्पैक्ट बता देंगे टीबी का कि हाँ भाई इतने इतने लेवल पे इतने इतने फैक्ट्स हैं, इतने इतने कंट्रीज में मोस्टली सबसे ज्यादा पाया जाता है, राइट। उसके बाद आप बता देंगे कि बीसीजी वैक्सीन है लेकिन अभी भी ये प्रॉपरली
वर्क नहीं कर रही है अभी करंट स्टेज में। अपने इंडिया में दो वैक्सीन पे वर्क चल रहा है जो कि थर्ड फेज ड्रग ट्रायल्स में है, राइट। तो अभी अपने पास कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में अपने पास जरूर वैक्सीन होगी। तो अगर अपन ग्लोबल एफर्ट्स देखें तो ग्लोबल एफर्ट्स क्या है, WHO has launched a joint initiative Find, Treat and All End TB with the Global Fund and Stop TB Partnership. WHO also releases the tuberculosis report. तो रिपोर्ट के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है लास्ट 2 ईयर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में पूछेगा नहीं, क्योंकि 2016 से लेकर 2020 तक यूपीएससी ने हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिपोर्ट्स के बारे में याद होना चाहिए। इंडिया के एफर्ट्स देखें तो क्या है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2017 से 2025 क्या याद रखना चाहिए, 25 तक डेडलाइन है, 2030 डाल देगा यूपीसी, चेंज कर देगा। द निक्षय इकोसिस्टम, नेशनल टीबी फाउंडेशन इकोसिस्टम, निक्षय पोषण योजना, ठीक है, NPY फाइनेंशियल सपोर्ट, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। तो ये सारे के सारे क्या है, ये ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड कैंपेन्स हैं आपके, और सारे की सारी इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको क्या क्या बताया, ग्लोबल एफर्ट्स, इंडिया एफर्ट्स, ठीक है, इम्पैक्ट क्या है टीबी का, डेटा फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर अपन ने देखा कि कौन किसके द्वारा कॉज किया जाता है, ट्रांसमिशन और सिम्टम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक ध्यान रख सकते हैं आप, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई वैक्सीन नहीं है अभी इससे रिलेटेड, BCG वैक्सीन है लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। अभी दो वैक्सीन हैं जो कि थर्ड फेज में है, तो जल्दी अपने को इसको वैक्सीन को देखने को मिलेगा। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है इमर्जिंग चैलेंजेस टू द ड्रेविडियन मॉडल। तो अपन देखेंगे कि ड्रेविडियन मॉडल क्या है और अपन इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो भी आप पढ़ रहे हैं ना आज से, आप ये देखिए कि आप उसको कहाँ यूज करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस कहाँ यूज करेंगे, GS3, ठीक है, साइंस में डिजीजेस क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। द ड्रेविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज अबाउट पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी विच इज अचीव्ड बाय परसुइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस रैशनल थॉट एंड एक्शन फर्मली रूटेड इन इक्विटी। तो ये क्या है, ड्रेविडियन मॉडल एक गवर्नेंस का मॉडल है जो कि क्या बात करता है, पीस प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की, 3P याद करिए, 3P कहीं पे भी यूज करना है कर सकते हैं। ड्रेविडियन मॉडल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ड्रेविडियन मॉडल डालिए, ड्रेविडियन मॉडल इन तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, सोशल जस्टिस रैशनल थॉट, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। दिस ट्रांसलेट्स टू इंक्लूसिव फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्सेस टू एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ फॉर ऑल, अ मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN डेवलपमेंट गोल्स। तो SDG गोल्स भी सारे इससे रिलेटेड बात ही करते हैं। इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एट ऑल लेवल्स, ध्यान रखिए ऑल लेवल्स की बात कर रहा है। कई बार अपन बोलते हैं कि UPSC में ऑल लेवल्स गलत होता है, लेकिन कई बार वो अगर सबकी इंक्लूजन की बात करता है तो वो सही भी होता है। एंड द स्टेट्स अडेरिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेटर एंड स्पीड ऑन ऑल इश्यूज, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ रिलीजियस एंड पर्सन फ्रीडम। तो इस चीज का आपको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। सोशल जस्टिस प्रिंसिपल्स इन तमिलनाडु वेयर इनिशियली एम्फसाइज्ड एंड प्रोपोगेटेड बाय पेरियार, हु फॉट फॉर कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन व्हाइल फाइटिंग द इविल्स ऑफ अ कास्ट सिस्टम। आप एग्जांपल्स देंगे ना ड्रेविडियन मॉडल में किसी, जैसे कि पेरियार एक बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनका एग्जांपल दें। ड्रेविडियन पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेटाइजिंग द पब्लिक स्पेस फॉर द वाइडर पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको सही से बिगनिंग बता रखी है कि बिगनिंग इसकी कहाँ से स्टार्ट हुई। अगर ड्रेविडियन मॉडल से रिलेटेड कुछ और एडिटोरियल या समथिंग कुछ और अच्छा आता है तो मैं आपको उसके रिलेटेड सारी चीजें कवर कर दूंगा जो आपकी अपने मेंस के आंसर्स में यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है व्हाट इंडियंस शुड बी सेइंग टू द US ऑन June 21। आपको ये नहीं देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राइट। आपको ये देखना है कि आप इसको अपने एग्जाम में कहाँ रिलेट करेंगे, GS2 में रिलेट करेंगे, ठीक है, और कहाँ रिलेट करेंगे बताएं, टॉपिक बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, राइट। तो फिर आप इसका देखेंगे कि मेंस का क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या बना है इसका, राइट। उससे अपन टॉपिक्स को अपने कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अपन देखते हैं कि इंडिया और US के कहाँ कहाँ कॉपरेशन हो सकती है। जैसे अपन देखते हैं कि पॉलिटिकल कॉपरेशन अपने यहाँ पर होती है, जैसे कि हाई लेवल विजिट्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लेवल की, वहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ पे आते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, तो एक एंगेजमेंट का सोर्स बना रहता है इंडिया और US के बीच में। द आउटकम जनरेटेड बाय दिस विजिट्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन फर्दर स्ट्रेंथनिंग एंड डेवलपिंग द मल्टीफेसेटेड टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कैसे हमारे कंट्रीज को एक स्ट्रेंथन करता है कॉपरेशन में, ठीक है। तो दोनों लीडर्स कहाँ कहाँ कंसल्ट करते हैं, और US-Japan ट्रायलेटरल समिट्स,
यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान कोलैटरल समिट्स G20 समिट्स, तो आपको बस ये देखना कि अपने यहाँ यूएस से कैसे कैसे पॉलिटिकल कोऑपरेशन है। तो ये देखिए, ये तो मैंने आपको छोटी चीजें बताई, आज मैं आपको यूएसए के ऊपर मेंस का आंसर लिखाने वाला हूँ, तो आप अच्छे से सारी चीजों को सुनिएगा और उनको याद करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आप अपने मेंस का आंसर इजीली लिख पाए। ये तो मैंने आपको हाई लेवल फिजिक्स बताई, अब होते हैं हाई लेवल डायलॉग मैकेनिज्म्स, ठीक है, HLDM हाई लेवल डायलॉग मैकेनिज्म्स। तो उसमें क्या होता है, कोई मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है, कोई कमर्शियल डायलॉग होता है, इकोनॉमिक डायलॉग होता है, ट्रेड पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो ये सारे के सारे डायलॉग सारे के सारे फील्ड में अपने यूएसए किए जाते हैं, जिससे कि अपने अगर अपन को और स्ट्रेंथन करने हो रिलेशंस तो इजीली हो सके, ठीक है। तो ये तो अपन ने देखा कुछ पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन, तो अपन जब अपन इंटरनेशनल आईआर का आंसर लिखेंगे तो अपने को सारे फील्ड में उनसे रिलेटेड चाहिए होगा कि अपन इंसुलेटेड कैसे कैसे और वर्क कर रहे हैं। तो डिफेंस में कैसे वर्क करते हैं, डिफेंस में अपन उनके साथ काफी सारे एक्सरसाइज करते हैं, लाइक टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास, कॉप इंडिया, मालाबार, ठीक है, विजय परियार, तो ये सारे के सारे आपको एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत ध्यान होनी चाहिए अगर डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आजकल इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस के रिलेटेड काफी पैक्स हो रहे हैं, राइट। आपको फोर एग्रीमेंट्स के बारे में ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा, जैसे कि जी सोम्या, ठीक है, ये क्या है, कोमकासा, ठीक है, उसके बाद जाके बीका, उसके बाद जाके आपको डिफेंस कॉपरेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये क्या होते हैं, ये एग्रीमेंट्स ना आपको ध्यान इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप IFS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर आपको इन एग्रीमेंट्स के बारे में ध्यान नहीं है तो आप उस कंट्री से इजिली डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डेली डेली आता रहेगा, मैं आपको कवर कराता रहूंगा, और आपको अगर आज इसका मीन्स का आंसर लिखना है तो आप थोड़ा सा इंटरनेट पे अपने बेसिक बुक्स में जाके सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आप इसका आंसर इजीली लिख पाए। अपन अब देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन, ठीक है, तो इंडिया यूएस साइबर सिक्योरिटी डायलॉग है, इंडिया यूएस जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ICT के ऊपर, ठीक है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है दोनों के बीच में, टेररिज्म से रिलेटेड कैसे डील किया जाए। तो देखिए, मैं आपको हर डायमेंशन दे रहा हूँ, हर डायमेंशन आपको आपके आंसर में डालनी है, अगर हर डायमेंशन आपने मेंस के आंसर्स में नहीं डालेंगे तो आपके मार्क्स फिर उतने ही कम होते जाएंगे, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस देखें तो यूएसए सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, अपनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स वहीं पे होते हैं, ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अपन ये अपन ने कुछ देखा कि क्या क्या डायलॉग्स थे, लेकिन आप ये देखिए कि अपने यहाँ पे कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है इंडिया यूएस के बीच में, ये बस एक फैक्ट ध्यान रखना है। बोल दिया जाए कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है तो नहीं है। अब अपन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश करेंगे कुछ टाइम आने वाले टाइम में। एक और डायमेंशन मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे जो अपने आंसर्स में यूज करेंगे, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज में कैसे दोनों वर्क कर सकते हैं साथ में, ठीक है। फिर जैसे न्यूक्लियर कोऑपरेशन, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी मोस्टली अपन को रशिया से मिली, लेकिन काफी हेल्प अपने को अमेरिका से भी मिलती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा मोस्टली अपने को यूएस में फाउंड आउट होता है, राइट। आप सब जानते हैं कि जो गूगल या काफी सारी बड़ी कंपनीज है उसमें सारे जो हेड्स कर रहे हैं वो अपना डायस्पोरा ही है, मतलब अपने यहाँ के ही लोग हैं, राइट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अपन कैसे इन सारी चीजों में उनसे कोऑपरेशन बना के रखते हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर में क्या है, रीजनल सेक्टर में क्या है। तो आप सोचिए, अगर मैंने आपको इतने पॉइंट्स दे दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये तो आपके 9 के 9 डायमेंशन हो गए ना, आप इजीली उसको आंसर कीजिए। अगर 10 या 15 मार्क का भी क्वेश्चन है तो अगर आप 9-10 डायमेंशन लिख देंगे ना तो बहुत होती है। उसके बाद आप इनके चैलेंजेस बता दीजिए कि हाँ भाई इकोनॉमी में क्या चेंजेस है, कि भाई ट्रेड वॉर चलता है कई बार ट्रेड बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन पॉलिटिकल में देखते हैं कि वीजा का कई बार इश्यूज हो जाता है, जैसे कि जब ट्रम्प थे तो उन्होंने क्या किया था कि H-1B वीजाज की लिमिटेशन कर दी थी, ठीक है, तो उसका ध्यान रखें। डाटा लोकलाइजेशन कभी कभी एक इशू हो जाता है, जैसे कि वहाँ सारे ई कॉमर्स अमेजोन वगैरह सब वहाँ पे, लेकिन उनका डाटा वहाँ स्टोर होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, डाटा लोकलाइज करो, यहाँ आके करो, ठीक है। ईरानियन ऑयल, ठीक है, अपन खरीदना चाहते हैं लेकिन वो मना करते हैं, ठीक है। अपन रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट है लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ से खरीदो, ठीक है। IPR का इन्फोर्समेंट अपने यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स और इश्यूज अगर आपको ध्यान है तो आप इजीली अपना मेंस का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आप वे फॉरवर्ड बता सकते हैं कि अपन कैसे पीपल टू पीपल स्ट्रेटेजी फॉलो करें या एक कॉमन प्लेटफॉर्म एड्रेस करें जहाँ पे अपन सारे के सारे इश्यूज को इजीली डील कर पाएं और अपने रिलेशंस को और स्ट्रेंथन कर पाएं,
तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है बिप्रोजॉय पार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड इन इंडियन साइक्लोन्स। तो अपन ये देखते हैं कि साइक्लोन अभी काफी टाइम से न्यूज में था, राइट। जब भी मई और सितंबर आता है तो ये मोस्टली न्यूज में आ ही जाता है, क्योंकि दोनों साइड अपने साइक्लोन्स आते हैं, अरेबियन सी हो गया या बे ऑफ बंगाल हो गया। तो अपन आज देखते हैं कि साइक्लोन्स का नेम रखा किसे जाता है। द नेमिंग ऑफ साइक्लोन इज डन बाय कंट्रीज ऑन अ रोटेशनल बेसिस फॉलोइंग सर्टेन एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। देखिए साइक्लोन्स का नेम रोटेशनल बेसिस पे रखते हैं, एक कंट्री नहीं रखती, अलग अलग कंट्रीज अपने अपने टाइम आने पे रखती जाती है। तो एडवाइजरी इशू बॉडीज कौन कौन है वर्ल्ड वाइड? देर आर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स मैंडेटेड फॉर इशूइंग एडवाइजरीज एंड नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इतना आपको याद होना चाहिए। IMDSRMSC, इट इज वन ऑफ द 6 RCMSC टू प्रोवाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म सर्च एडवाइजरीज 13 मेंबर कंट्रीज अंडर द WMO इकोनॉमिक सोशल कम्युनिकेशन फॉर स्टेबिलिटी। ये थोड़ा सा आपको नहीं भी याद रखेंगे ना चलेगा, ठीक है। अब अपने को ध्यान रखना है कि जो जो मेंबर कंट्रीज साइक्लोन का नेम प्रोवाइड करती है, जैसे कि बांग्लादेश, ईरान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन, तो ये सारी की सारी कंट्रीज क्या करती है साइक्लोन के नेम प्रोवाइड करती है, ठीक है। अपन को ये देखना है कि कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं जब अपन साइक्लोन के नेम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन सी गाइडलाइंस इनको देखनी होती है, ये आप एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं कि मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना होता है कि शुड बी न्यूट्रल, जो नाम प्रपोज किया जा रहा है वो न्यूट्रल होना चाहिए, कोई पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल फिगर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजियस बिलीफ्स नहीं होने चाहिए, कोई कल्चर नहीं होना चाहिए, कोई जेंडर नहीं होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज को रिप्रेजेंट करता हुआ नहीं होना चाहिए। सिंपल सा नेम बताओ कि हाँ भाई वो न्यूट्रल हो। नेम शुड बी चूजन इन सच अ वे दैट इट डज नॉट हर्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ एनी ग्रुप पॉपुलेशन ओवर द ग्रुप। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हाँ भाई इतना बड़ा नाम रख रहे हैं अपन साइक्लोन का जिससे काफी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, अगर आप किसी का नाम मेंशन करेंगे उसमें तो कितना हार्मफुल वो क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अपन वो कम्युनिटी को डायरेक्ट ट्रिगर कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी वेरी रूड एंड क्रूर इन नेचर, वही है मतलब सेम बात कर रहे हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इट शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस एंड शुड नॉट बी ऑफेंसिव टू एनी मेंबर, सेम बात है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम विल बी 8 लेटर्स, ये ध्यान रखें। आपके साइक्लोन अभी काफी टाइम से मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर प्रीलिम्स में पूछना होगा बोल देगा कि 16 लेटर्स होता है। जब भी ऐसे कुछ फैक्ट्स आ जाए ना तो इन चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन चलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म्स ओवर वार्म ओशियंस विद अ लो प्रेशर, हाई विंड्स एंड हैवी रेन, ध्यान रखें आप। फॉर्मेशन ऑफ कंडीशन क्या होती है, वार्म सी सर्विस टेम्परेचर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ अ लो लेवल एयर, फेवरेबल एटमोस्फेरिक कंडीशंस होती हैं। कंडीसिव पीरियड्स क्या होते हैं, अप्रैल मई अक्टूबर दिसंबर, तो आप जैसे अपन अभी जून चल रहा है, मई जून के बीच में मैंने आपको बोला कि आते ही हैं। मूवमेंट्स और मॉइस्चर्स क्या होते हैं, साइक्लोन मूव नॉर्थ वेस्ट गैदर मॉइस्ट एयर एंड इंटेंसिफाई। रिक्वायरमेंट फॉर साइक्लोनेसिस क्या होता है, वार्म सी सर्विस टेम्परेचर्स, एटमोस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, हाई ह्यूमिडिटी, कोरियोलिस फोर्स, लो लेवल डिस्टर्बेंस, लो वर्टिकल विंड शेयर, तो ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं साइक्लोनेसिस की, मतलब साइक्लोन बनने के। सी सर्विस क्या होता है, 27 to 28 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए ही चाहिए। अब इससे प्रीलिम्स में अपने को कर दिया गया था कि 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, तो ये गलत हो गया। रोल्स ऑफ कोरियोलिस फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लो प्रेशर सेंटर फॉर्मेशन, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। लो वर्टिकल विंड शेयर मेंटेन्स साइक्लोनिक स्ट्रक्चर, इसका थोड़ा सा ध्यान ना रखें तो चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, डेफिनेशन क्या होती है, मोमेंट मॉइस्चर कैसा रहता है, सी टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, एटमोसफेयर इंस्टेबिलिटी कैसे मेंशन होती है, वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो इजीली आप चीज़ों को आंसर आउट कर पाएंगे। तो अपन अब चलते हैं अपने मेंस के क्वेश्चन पे। आज मैंने लिए आपके लिए एक अच्छी चीज़ बनाई है, जैसे कि आज अपने को एडिटोरियल था साइक्लोन के ऊपर और इंडिया US के ऊपर, तो मैंने आपके इस रिलेटेड PYQs निकाले हैं। अब इन PYQs को अपन अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में डेली कवर करेंगे, जो कि अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं शाम से, राइट। सो अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आपको मिलेंगे उस वीडियो में, सो उसके लिए जुड़े रहें। सो अपन देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स ऑफ साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय द IMD, ठीक है। तो कैसे IMD जो अलग अलग कलर कोड में वार्निंग्स देता है वो कैसे हेल्प कर सकती है, या उनका मीनिंग क्या हो सकता है अपने लिए, उसको बताना है।
2022 में पूछा किया, देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू द साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मेक्सिको, वाई, 2014 में पूछा गया। लेकिन अपन देख रहे हैं कि अरेबियन सी में अब ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो अपने को उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में। द रीसेंट साइक्लोन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड फलीन और द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो रिसेंट साइक्लोन फलीन किया गया था, तो पूछना चाह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं। तो मैंने आपको क्या कराया है यहाँ पे, सारी की सारी चीजें बताई ना मैंने आपको, यही तो आपको आपको मेंस के आंसर में लिखनी है। ठीक है, अपन देखते हैं इंडिया यूएस। एनालाइज द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द नोशन ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस एंड इंडिया। ठीक है, 2021 में पूछा गया है। यह आपका कंपेरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द कंट्रीज, ये आपकी GS2 में डायरेक्टली लाइन दी रखी है। The US is facing an existence in the form of a China that is more challenging than the Aristotle Soviet Union explained 2021. देखिए US, China, रशिया सबको मिक्स कर दिया, इसको आप थोड़ा सा रशिया और चाइना और थोड़ा सा पढ़ेंगे तब इजिली आंसर आउट कर पाएंगे। इंडिया एंड यूएस आर द लार्जेस्ट टू डेमोक्रेसीज, एक्सप्लेन द बेसिक टेनेंट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम आर बेस्ड। तो इंडिया और यूएस लास्ट टू डेमोक्रेसीज हैं, तो उसके बेसिस पे पॉलिटिकल सिस्टम को बेस किया गया, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इंडिया और यूएस की दोनों की थोड़ा बेसिक बताएंगे, उससे आप इजीली आंसर आउट कर पाएंगे। सो आज अपन मिलते हैं अपने मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। आज अपन प्रीलिम्स का आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि ट्यूबर क्लॉसेस, तो उससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे गए तो अपन उसको आंसर आउट करेंगे, उसके PYQs देखेंगे। अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।